first question is, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? तो एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर के लिए चार रूल्स हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है कि नेम्स को लैटिन में लिखना चाहिए, एंड सेकंड रूल है कि नेम्स इटैलिसाइज्ड होने चाहिए, थर्ड रूल है कि अगर हम रूल उन्हें नेम को हाथ से लिखेंगे तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, और फोर्थ है कि बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को शो करेगा जबकि सेकेंड वर्ड स्पीशीज को शो करेगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सा रूल उस फॉलो नहीं करता। फर्स्ट है नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज, तो फर्स्ट तो सही हो गया। सेकंड, वेल रिटन बाय हैंड्स द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, तो ये भी सही है। थर्ड है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये वाला गलत है क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स को हमें सिर्फ लैटिन में लिखना चाहिए क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो अगर टाइम तो वो टाइम के साथ उसमें ना स्पेलिंग्स में चेंज होगा ना फिर उसकी मीनिंग बदलेगी, इसीलिए ये थर्ड वाला रूल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज, ऑप्शन ए किंगडम, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी जीनस और ऑप्शन डी फैमिली। तो हमें पता है कि टैक्सोनॉमी की हायरार्की का ऑर्डर होता है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो सबसे लास्ट में स्पीशीज है यहाँ पे, तो इसकी बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट भी होगी स्पीशीज। थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, पहला हमें दिया गया है क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, देन सेकेंड है डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर एंड जीनस, थर्ड है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और फोर्थ है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। तो हमारे जो करेक्ट ऑर्डर जो हमें पता है वो है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही, पहले किंगडम किसमें है, हम किंगडम को हटा देते हैं, देन हमारे पास है फाइलम, तो ये थर्ड वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्लास से स्टार्ट हो रहा है, क्लास के बाद फाइलम है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। देन सेकंड है डिवीजन, क्लास, फैमिली, तो यहाँ पे ये फैमिली पहले ऑर्डर बाद में, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन हमें थर्ड है दिया गया है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये वाला सही ऑर्डर है। देन फोर्थ हमें दिया गया है फाइलम, ऑर्डर, फिर क्लास है, तो ये वाला गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ए रिप्रोडक्शन, बी ग्रोथ, सी इवोल्यूशन और डी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टच। तो अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और इवोल्यूशन टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, इवोल्यूशन में मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ग्रोथ में डेज या ईयर्स या मंथ लगते हैं, इसी तरह से रिप्रोडक्शन भी एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबनेस टू टच एक इंस्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ए हुकर, बी क्यूबियर, सी हक्सले और डी हैकर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हक्सले, इन्होंने टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था 1940 में। जैसे कि ये चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ड काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्वेश्चंस टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स से ही लेकर आते हैं। एनसीईआरटी में भी ये काफ़ी छोटा चैप्टर दिया गया है, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या तो हमें मिल जाएंगे टैक्सोनॉमी से या तो सिस्टमैटिक्स से, या फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये टर्म किसने दिया है, ये मेन क्वेश्चन है इसके। थैंक यू।